नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं विदिशा शांडिल्य। छत्तीसगढ़ के गंडई में सांसद संतोष पांडे मां गंगई के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मां गंगई मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं दौरे के अगले पड़ाव में मेहता मेडिकल पहुंचे, जहां पर भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं से चाय पर चर्चा की। अंतिम पड़ाव में नगर पंचायत में अध्यक्ष कार्यालय पहुंचे। इसके बाद वह पत्रकारों से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता व वायनाड से सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति सही होती तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी से वायनाड नहीं जाना पड़ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोध की राजनीति ना करे। राहुल गांधी सत्र शुरू होते ही विदेश चले गए, सत्र समाप्ति के बाद वापिस आए हैं। राहुल गांधी को देश से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस विरोध के लिए विरोध करती है। कृषि बिल राज्यसभा व लोकसभा में पास होकर कानून बन गया है। कानून को मानना कांग्रेस की बाध्यता है। कृषि बिल किसानों के हित के लिए बना है, जिससे किसानों को लाभ होगा, किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। भारत कृषि प्रधान देश है। केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए ठोस कदम उठाया जा रहा है। कृषि बिल से किसान की आय दुगुनी होगी। किसान अपनी उपज को कहीं भी सीधे बेच सकते हैं। कृषि बिल से इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि विवाद की स्थिति में तय समय सीमा में निपटारा होगा। किसान आलू, प्याज, दलहन, तिलहन को बड़ी बड़ी संस्थाओं में क्रय और विक्रय कर सकती है। बैरियर प्रथा की समाप्ति हुई है। बिल से किसानों को फायदा ही फायदा होना निश्चित है। राजानंद गांव से संवाददाता राशिद सिद्दीकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सरकार सदन की लड़ाई और सड़क की लड़ाई और इतनी अच्छी लड़ाई लड़ते हैं तो आज इनकी संख्या दहाई में नहीं होगी। आज इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी को छोड़ के केरल के वायनाड भागना नहीं पड़ता। देश की जनता समझ चुकी है ये राष्ट्र के लिए राजनीति करें, परिवार के लिए ना करें, राष्ट्र विरोधी राजनीति ना करें। आज के तारीख में केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। क्या छत्तीसगढ़ ये प्रांत भारत से अलग है, संघीय व्यवस्था से अलग है? आज सभी प्रांत भारत के अंतर्गत है और लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद वो कानून बन जाता है। कानून को मानना इनकी बाध्यता है। कानून के अंतर्गत पूरे सभी समस्त प्रदेश हैं, बाहर भी काहे किसी को आम जनता को और किसानों को बरगलाने की कोशिश कर। किसान के हित में ये कानून बना है। पहली बार जो ये केवल अपने एजेंडे में घोषणा पत्र में केवल कहते रहे किंतु करने का काम केवल भाजपा करती है और सभी करणीय काम को भाजपा की है। किसानों के लिए भी कानून बना करके किसानों के जेब में सीधे पैसे डालने का काम, उनके डबल डिजिट में उनके इनकम को दुगना करने का कर रही है। किसान का बिल ये जो कानून है इससे सीधे बड़े बड़े फर्मों से, फार्म हाउस से, फैक्ट्री से, कारखानों से, बड़ी संस्थाओं से करार होंगे, एग्रीमेंट होंगे और सीधे किसान का जो उपज है उसका अच्छा रेट मिलेगा। ये हम सब के लिए, किसानों के लिए, यह कृषि प्रधान देश है, यह हम सबका सौभाग्य है। तीन मुख्य बिंदु बताइए जो जिससे किसान को लाभ मिले। इसमें तो ऐसा है, पहला तो ये है कि जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक है, वास्तव में अब सब प्रकार से ये कहे कि जिसमें आलू, प्याज, दलहन, तिलहन किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। मैंने कहा कि जो एग्रीमेंट है, करार है, ये करार भी अब डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी सीधे संस्था कर सकती है किसानों से। और यदि कहीं कोई प्रकार का विवाद भी यदि हुआ तो उसके लिए तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर ये भी समयबद्ध तय कर दिए गए हैं कितने दिन के अंदर इसको निपटाना। और आज के तारीख में जो इंस्पेक्टर राज था, जो बैरियर प्रथा थी, और किसान यदि आज खैरागढ़ ले जा रहा है तो राजनांदगांव ले जा रहा है तो बीच बीच में रोकने का सब खत्म हो गया। आज के बाद ये कहना चाहिए कि कानून के बाद बनने के बाद किसान स्वतंत्र है, चाहे बिहार के पटना में बेचे, चाहे वो पंजाब में बेचे, चाहे दिल्ली में बेचे, मुंबई में बेचे, किसान का तो फायदा ही फायदा है।
बिल अगर आती है तो फिर केंद्र सरकार इसके लिए क्या करेगी? अभी ये तो सीएए का भी विरोध किया था, बोले हम नहीं मारेंगे, क्या करेंगे। ये तो अभी नीट परीक्षा का भी विरोध किए थे, बोले हम मेडिकल प्रवेश परीक्षा का, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का, किसका विरोध नहीं किया है, हर बिल का विरोध किए हैं। राहुल गांधी जी सत्र शुरू होने से पहले विदेश चले गए और सत्र जैसे ही समाप्त हुआ विदेश से आ गए। इनको इस देश से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.